जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 11 दिसंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार वाहन को जिला जज तेज प्रताप तिवारी ने दीवानी कचहरी परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार शकेन ने बताया कि 11 दिसंबर को जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में दीवानी कचहरी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। साथ ही जनपद में स्थित बाहरी न्यायालय, बासगांव ग्राम न्यायालय, कैंपियरगंज, चौरी चौरा, गोला के अतिरिक्त अन्य तहसील मुख्यालय पर भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में विशिष्ट विषय आपराधिक शमनीय वाद धारा 138, पराक्रम लिखित अधिनियम, बैंक वसूली के वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वादों, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, विद्युत एवं जल बिल विवाद, सर्विस वादों, किराया, सुखाधिकार, ब्यायदेश, विशिष्ट अनुतोष वाद एवं अन्य मामलों को सुलह समझौते के आधार पर नियत न्यायालय में ही निस्तारित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रीलिटिगेशन स्टेज पर मामलों को भी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए इंडियन बैंक के अंचल प्रमुख अजय अग्रवाल तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार सकेन ने कहा, मैं अंचल प्रमुख इंडियन बैंक अजय अग्रवाल। ये जो राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जो 11 तारीख को हो रही है, इसके लिए हमने आज वाहन यहाँ से रवाना किए हैं प्रचार प्रसार के लिए, तो पूरे ज़िले में घूम घूम कर जन जन को जो है सूचित कर रहे हैं। बड़ा अच्छा मौका है ये सभी तरह के मामलों को निपटाने का आपसी समझौते से। और मेरा अपील है सबसे कि जिसके भी जो भी बैंक के और दूसरे मामले लंबित हों, तो आए यहाँ पर बैठे हैं। इसमें चाहे सूट फाइल अकाउंट हो, वाद दायर हो या ऐसा हो, किसी भी तरह के मामले का निपटान आराम से किया जा सकता है बैठकर। और इसको जो है न्यायिक प्रक्रिया है, इसको कानूनी मान्यता प्राप्त है, तो सभी से अपील है कि वो जो है अधिक से अधिक लाभ उठाएँ इस मौके पर। मैं देवेंद्र कुमार द्वितीय, सचिव पूर्णकालिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोरखपुर। राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रचार वाहन को रवाना किए, कहाँ कैसे जागरूक करेंगे? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार और माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय श्री तेज प्रताप तिवारी के अध्यक्षता में दिनांक 11/12/2021 द्वितीय शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे जनपद गोरखपुर में आयोजित कराया जा रहा। इसके लिए प्रचार प्रसार माननीय जनपद न्यायालय और बाह्य न्यायालय, बांसगांव, गोला, कैंपियरगंज और इसके अतिरिक्त हमारे सभी तहसीलों, ब्लॉक स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर सभी जगह प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। और इसके द्वारा जो है राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से विशिष्ट शमनीय वाद धारा 138, पराक्रम लिखित अधिनियम, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वादों का पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल विवाद और सर्विस वाद जिसमें किराया अधिकार, सुखाधिकार, व्यादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद व ई चालान, ट्रैफिक चालान आदि का के मामलों को सुलह समझौते के आधार पर द्वितीय शनिवार 11 दिसंबर 2021 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्री लिटिगेशन स्तर के वादों का भी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।